सो ये गाना मैं उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ जिनका नाम एच लेटर से स्टार्ट होता है. टैग योर स्पेशल वन एंड दिस सॉन्ग इज फॉर यू. आँखों में तेरा ही चेहरा रहता है, यादों में तेरा ही पहरा रहता है, नींदों में तेरे ही सपने सजते हैं, होठों पे तेरे ही नगमे बजते हैं. तो है व्हाट इज अप गाइस, दिस वाज एंडर लगी चैनल एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो. तो गाइस कुल मिला के आ चुके हैं एक नए ट्यूटोरियल के साथ वापस. तो गाइस वीडियो के अंत तक जरूर देखना, अगर वरना आपको कोई भी पास्ट अगर मिस कर देते हो तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो गाइस वीडियो के अंत तक जरूर देखना. तो गाइस चलिए शुरू करते हैं, लेट्स डू समथिंग डिफरेंट. तो गाइस सबसे पहले आप एक लाइक जरूर से कर देना, काफ़ी बंदे वीडियो मेरा देखते बट लाइक नहीं करते. तो गाइस सिंपल से एक लाइक कर देना, बाकी सब्सक्राइब आपको वीडियो पसंद आए तो कर देना. तो चलिए चलते हैं अपने ट्यूटोरियल को. तो सबसे पहले आपको यहाँ से प्लस करके उन पर चले जाना है और जो भी रेशो लेना है वो ले सकते हो. बाकी ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आज हमें प्रीसेट लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं एडिट करने वाला हूँ वो काफ़ी हार्ड है. तो गाइस उसके लिए आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं यहाँ से प्रीसेट ही ले लेता हूँ, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. तो गाइस ये कुछ इस तरह से हमारा प्रीसेट है, तो मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, आपको भी ऐसे मिलेगा. और ये जो मैंने अभी लिरिक लिखे है वो बस ऐसे ही अभी ट्राई कर रहा था, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ. तो सिंपल से डिलीट हो चुका है. और जो यहाँ हमारा बार के ऊपर ये लकी एडिट्स लिखा आ रहा है, तो वैसे आप यहाँ से भी आपका अपना जो नाम है वो लिख सकते हो, आपको जो भी पसंद हो तो आप लिख लेना. बाकी यहाँ से हम लिरिक स्टार्ट करते हैं. तो सिंपल से मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से लिख लेता हूँ लकी एडिट्स. तो इतना लिखने के बाद यहाँ से थोड़ा सा बड़ा करके इसका फॉन्ट हम दे देंगे ये वाला. तो वैसे इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम की मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी. तो सिंपल से डाउनलोड करना और इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और इसे यहाँ से छोटा करके यहाँ से मिड में ला देते हैं हम. तो यहाँ कुछ इस तरह से हम इसे रख लेते हैं और सिंपल से हमें यहाँ एक इफेक्ट लगाना है जो स्ट्रिप्स वाला है, जिसको ये रहा हमने यहाँ से ले लेते हैं. तो इसे लेने के बाद इसे सबसे पहले इसको 0.05 पे रख देते हैं, मतलब यहाँ से पूरा कम कर लेते हैं काउंट को. और विड्थ को हम रख लेते हैं यहाँ से 20 पे रख लेते हैं. और सिंपल से एंगल को हम 45 पे रहने देते हैं. और फेस को हम एक टैप कर देना है और यहाँ से एक प्लस कर देना है और यहाँ से 150 तक कर लेते हैं इसे. तो कैसे हमारा 159 हो चुका है. एंड देन एंड पे चले जाना है और यहाँ से एक प्लस कर देना है और यहाँ से पूरा माइनस कर लेना है, मतलब बस इतना रहने देना है. और यहाँ से आप जो भी कलर लेना चाहते हो वो ले सकते हो, बाकी मैं तो यहाँ से वाइट ही ले लेता हूँ क्योंकि हमने यूज़ किया था. एंड देन यहाँ से कुछ नहीं छेड़ना है. फिर यहाँ से स्मूथनेस को यहाँ से पूरा 90 पे कर लेते हैं. तो इतना होने के बाद कुछ इस तरह से लगेगा हमारा लिरिक पे. तो कैसे ये डन हो चुका है. और यहाँ से अब आपको पता है कि क्या करना है, कॉपी पेस्ट ही करना है. तो कैसे इतना होने के बाद सिंपल से हमें बैक आ जाना है. बैक आने के बाद कुछ इस तरह से फिर हमारा टेक्स्ट है जो इस तरह से स्विंग करेगा. तो गाइस इस तरह से ये सब कुछ होने के बाद यहाँ जहाँ हमारा लिरिक ख़त्म होता है, तो यहाँ पे फिर से हमें टेक्स्ट लेना है. तो गाइस यहाँ से प्लस के आइकन पे जाकर यहाँ से फिर से मैं लकी एडिट्स लिख लेता हूँ. एंड देन यहाँ से अब यहाँ पे वाइट कलर रख लेना है और इसका फॉन्ट भी वही वाला दे देना है. अगर आपके पास कोई और अच्छा फॉन्ट है तो आप ले सकते हो, बाकी मैं यहाँ ये वाला बिल ले रहा हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. तो सिंपल से इसे बीच में रखना है. अब तो यहाँ से मूव एंड ट्रांसफॉर्म में जाके यहाँ से इसे बीच में कर लेता हूँ मैं. तो कैसे बीच में आ चुका है और सिंपल से यहाँ हम इस पर एक इफेक्ट लगाएंगे. तो कैसे ऐड इफेक्ट में चले जाते हैं और ऐड इफेक्ट में जाने के बाद सिंपल से हम पहले टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला इफेक्ट ले लेना है, जो कि हमने यहाँ से ले रखा है. तो कैसे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म वाला ले लिया. तो इसके स्टार्ट पर आ जाना है और यहाँ इसके स्टार्ट को 0 पे रहने देना है, फिर एंड को 1000 पे रहने देना है, फिर फेस को 0 पे रहने देना है, इसको लेटर को उसी पे रहने देना है, इसे लेयर पे. और सिंपल से यहाँ से ऑफसेट पे आ जाना है और यहाँ से एक्स पे ऑफसेट. और एक्स पे आने के बाद यहाँ से एक प्लस कर देना है एंड देन एक प्लस यहाँ बीच में कर लेना है इस तरह से, और इसे खींच लेना है पूरा एंड पे और यहाँ बीच में एक प्लस कर देना है. तो कि जितना होने के बाद सिंपल से यहाँ से हम इसे बड़ा करके 560 तक कर लेते हैं. तो वैसे इतना हो गया. फिर बीच में आने के बाद इसे 0 पे रहने देना है,
एंड देन एंड पे आने के बाद इसे फिर से माइनस पे ले जाना है, माइनस 300 या 400 तक, मतलब जितना हमें यहाँ चाहिए उतना कर लेते हम। मतलब ये सही हो चुका है सिंपल से। फिर यहाँ से एंगल पे जाना है और एंगल पे आने के बाद सबसे पहले प्लस के आइकन पे टैप कर देना है फर्स्ट में, और यहाँ से और बैकग्राउंड वॉइस को इग्नोर मारना है, क्योंकि क्या कर सकते हैं, छत पे बैठ के वीडियो बना रहा हूँ तो नॉइस तो आएगी, क्योंकि यहाँ कौवे का घोंसला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो गाइस समझ सकते हो आप भी। तो गाइस इतना होने के बाद यहाँ से इसे ज़ीरो पे कर लेना है, तो गाइस ये हम ज़ीरो पे कर लेते हैं इसे, तो ये ज़ीरो हो जा भाई, यहाँ ये ज़ीरो पे हो गया। फिर एंड पे जाने के बाद यहाँ से प्लस 9 पे कर लेना है, मतलब 9 6 7 7, बस इतना ही बस हो गया। अगर स्केल पे आना है और यहाँ से 0 0 पे रहने देना है, तो किसी को भी नहीं खेलना, बाकी सब कुछ यही सेम ही है, इस पर कुछ भी करना नहीं है। तो ये कुछ इस तरह से हमारे लिए दिखाएगा, तो ऐसे ये तो अलग ही दिशा ऊंचा रहा है भाई, इसको थोड़ा सा सेट करना पड़ेगा। तो वैसे यहाँ से हमें स्टार्ट पे यहाँ पे किसी जगह पे हमने गलती कर दी है, तो इसलिए इस तरह से जाएगा हमारे लिरिक। तो यहाँ हम थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो बस यहाँ पे हमें ऑफसेट को माइनस पे ले जाना था और हमने प्लस पे ले गए, तो यार इसीलिए ये हुआ ऐसा, तो उसके लिए टाइम वेस्ट हुआ थोड़ा सा, तो कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं सही इसको। तो वैसे हो चुका है, तो वैसे कुछ इस तरह से आएगा, तो वैसे डन हो चुका है। और यहाँ से आपको कोई ऐसा ग्राफ बना लेना है इस तरह से, तो कुछ इस तरह से वो पिसा हो जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा प्ले करके देख लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आके चले जाएगा। तो वैसे ये सिंपल से डन हो चुका है। फिर हेड इफेक्ट में जाना है और यहाँ से लॉन्ग शेडो वाला इफेक्ट ले लेना है, तो केरा लॉन्ग शेडो वाला इफेक्ट तो इसे ले लेते हैं हम। फिर यहाँ से साइज पे जाके इसे थोड़ा सा माइनस कर लेते हैं, माइनस 15 कर लेते हैं। तो वैसे ना होने के बाद फिर एंगल पे जाना है, एंगल को 45 फिर रहने देना है, इसको ब्लैक स्क्रीन पे रहने देना है। फिर अल्फा को थोड़ा सा बढ़ा लेना है, अल्फा को 25 तक कर लेते हैं। तो वैसे अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और सब्सक्राइब करना चाहते हो तो कर ही देना, अब आ ही गए तो सब्सक्राइब करके ही जाना। तो वैसे इतना होने के बाद ये सब कुछ सेम ही है, इस पर कुछ नहीं करना है। फिर डन हो चुका है, इतना होने के बाद सिंपल से अब एड इफेक्ट में जाना है और यहाँ से क्रिकल वाला क्रिकल, ये पता नहीं क्या ये ऊटपटांग का नाम है, तो इसे रिप वाला इफेक्ट ले लेते हैं हम, रिप जो भी है उसे ले लेना है, बाकी हमें क्या। तो इतना होने के बाद इसका फ्रीक्वेंसी को 20 पे है, तो इसे 10 पे कर लेते हैं हम। तो गाइस इतना होने के बाद इसे 10 पे कर लिया। फिर यहाँ से स्ट्रेंच पे आना है और इसे इसे यहाँ से प्लस कर देना है, इस पे नहीं, यहाँ स्ट्रेंच पे आ जाना है और यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक कर देना है। एंड देन इसे इस प्लस को थोड़ा सा आगे ले लेना है इस तरह से, एंड देन एक दूसरा प्लस कर देना है और इसे 25 पे रहने देना है, और इसे इसे 0 पे कर लेना है। तो बस इतना होने के बाद सिंपल से नीचे आना है और फेस पे आ जाना है, और यहाँ पे भी एक प्लस कर देना है और इसको भी इसके ऊपर ही रख लेना है और एक प्लस और कर देना है। तो भाई से कहाँ चला गया भाई, तो एक और प्लस कर लेना है और यहाँ से इसे 2 पे कर लेना है इस तरह से। तो वैसे होने के बाद इसे डन कर लेना है, एंड देन रिड्यूस पे जाना है और इसे 30 पे ही रहने देना है। फिर इसे भी फेदर को भी कुछ नहीं छेड़ना है, बस इसे ऐसे ही रहने देना है। तो गाइस सिंपल से ये कुछ इस तरह से आएगा और इस तरह से जाएगा। तो गाइस यही था वीडियो, अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं इसका प्रीसेट की, जो कि आप सिंपल से डाउनलोड कर लेना। तो गाइस अगर वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो एक कमेंट जरूर से करके जाना, अच्छा लगे बुरा लगे, और लाइक और सब्सक्राइब मत करना बट एक कमेंट जरूर से कर देना, तो कि कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई
कोई तो है जो हमारे वीडियोस को देख के पसंद कर रहा है। तो गाइस दैट्स इट टुडे गाइस, यही था वीडियो, आई होप आप सबको पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो गाइस मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग स्टेटस एडिटिंग ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।